देहरादून जिले के विकासखंड डोईवाला के अठुरवाला गांव में राज्य सरकार वृद्धों को पेंशन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम बुजुर्गों को ये पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या आपने आवेदन किया था वृद्ध पेंशन के लिए? हाँ बेटा, आवेदन तो कर रखा। क्या बोला गया आपको, क्यों नहीं लगी? बोला मतलब पेंशन लगेगी लगेगी, पर आए तो है नहीं अभी, बस कागजात सब पूरा जमा कर रखे। क्या जवाब क्या मिला आपको? जवाब हमने क्या जाना बेटा, हम घर में हैं, वो जब आई नहीं तो हम क्या जवाब देना। समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड भारत सरकार द्वारा 60 से अधिक उम्र के लोगों को, चाहे वो गरीबी रेखा से ऊपर हों या नीचे, 800 रुपये हर महीने वृद्धा पेंशन के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। क्या क्या दिक्कतें आई पेंशन लगाने की? दिक्कत ये नहीं आई, अब देख रोजगार नहीं, अब भी घर बैठे कुछ नहीं। आप प्रधान हैं और यहाँ पे जो वृद्ध पेंशन नहीं दी गई है, कोई कमी क्या ऊपर से कोई तकनीकी खराबी है या कुछ? काफी लोगों की पेंशन लगाई भी है और आज भी लगाने के लिए तैयार है, और हम चाहते हैं कि हमारे वृद्ध विधवा विकलांगों की पेंशन समय समय पे आती रहे, परंतु ये ना जाने क्यों हो रहा है कि पेंशन लोगों की स्वीकृत हो रखी आ भी रही और वो क्यों टूटी जा रही, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम चाहते हैं सबकी पेंशन आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अठुरवाला गाँव के इन बुजुर्ग महिलाओं को उनकी वृद्धा पेंशन मिले, इसके लिए आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। और समाज कल्याण अधिकारी अनुराग को 9997448008 पर कॉल करें। इंडिया अनहर्ड के लिए देहरादून से मैं लक्ष्मी नौटियाल।